नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। अभी भारतीय चार जवानों की चिता ठंडी नहीं हुई थी कि श्रीनगर में दो और पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख अमित शाह ने उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में खड़े होकर यह दावा किया कि हमारी सरकार में कश्मीर सबसे ज्यादा सुरक्षित है पिछले 35 सालों में। लेकिन सवाल ये है कि इस दावे में कितना दम है। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल में क्या कुछ हुआ। उसके बाद आंकड़ों के जरिए अमित शाह के दावों का दम दिखाएंगे। देश को देखने का दुनिया का नजरिया बदल गया। उनको लगा कि इजराइल और अमेरिका के बाद भारत एक ऐसा देश है जो अपने जवानों की अपनी सीमा की सुरक्षा ठीक से कर सकता है एट एनी कॉस्ट। अगर बीजेपी अध्यक्ष राज्यसभा में खड़े होकर ये बोल रहे हैं तो सही ही होगा, मान लेना चाहिए। और मान लिया गया, मान इसलिए लिया गया क्योंकि अगर सदन में दिए गए बयान पर विपक्ष ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई तो मतलब बात सही है। लेकिन क्या वाकई बात सही है? अगर हाँ तो बताइए श्रीनगर में ये क्या हो रहा है, कैसे खूंखार आतंकी पुलिस की कस्टडी से भाग जा रहा है। अगर आपकी सरकार ने तमाम बंदोबस्त किए हैं, आपकी सरकार सबसे सख्त सरकार है, आप ही की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बताइए ये क्या है। माफ करिएगा जनाब, आंकड़े और हकीकत दोनों आपकी जुबान का साथ नहीं दे रहे हैं। जरा सोचिए, 6 आतंकियों को पुलिस चेकअप के लिए अस्पताल लेकर पहुंचती है। 2 आतंकी पहले से ही कश्मीरी लिबास पहने अस्पताल में मौजूद थे। जिन 6 आतंकियों को पुलिस चेकअप के लिए लेकर पहुंची थी उन्हीं में से एक नावी जट था। जैसे ही ये लोग अस्पताल में घुसे आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अस्पताल में हमला करने के बाद सभी आतंकी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। सेंट्रल जेल से कुछ डेटिन्यूज लाए थे, उसमें से एक ने वन हैड ट्राई टू स्नैच द वेपन, प्रॉबली उसने उसे फायर किया है। हमारी जो पार्टी है प्रोटेक्शन पार्टी उस पर फायर किया है। 2 उसमें एक क्रिटिकली इंजर्ड है और एक इंजर्ड है। तो एक वन डेटनी हैज फ्लेड अवे, रेस्ट 5 वी हैव जस्ट टेकन बैक टू द सेफ प्लेस। अभी हमारे पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ही इज नेम्ड बाय Naveed. We are verifying it. Most probably he's an outsider. So we are verifying it. We'll come up with the details. Naveed Jatt उर्फ अबू हुंजाल लश्कर का आतंकी है जो पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला है। नावे जट अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान से वाया फिरनिया जम्मू कश्मीर के सेक्टर कुपवाड़ा में घुसपैठ कर भारत आया था। उसे जुलाई 2014 में अनंतनाग पुलिस स्टेशन पर हमला करने और अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे आतंकी अब छुड़ा कर ले गए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल है सरकार के उस दावे पर जो अमित शाह सदन में खड़े होकर कर रहे थे। उससे भी बड़ा सवाल है पुलिस और अस्पताल प्रशासन की विश्वसनीयता पर, क्योंकि जब पुलिस इन आतंकियों को अस्पताल में लेकर पहुंची तो पहले से ही 2 आतंकी महाराजा हरि सिंह अस्पताल में मौजूद थे। मतलब साफ है कि वो पहले से ही जानते थे कि यहां आतंकियों को लाया जाएगा, लिहाजा इसकी जांच होना जरूरी है कि आतंकियों तक ये जानकारी कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई। वो देशद्रोही कौन है जो सेना और पुलिस के मूवमेंट की खबर आतंकियों को दे रहा था। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो आंकड़े कुछ बोलते हैं। और देश की सबसे बड़ी पार्टी राज्यों में सत्ता के लिहाज से और केंद्र में सत्ता के लिहाज से बीजेपी, उसके राष्ट्रीय प्रमुख ये कहते हैं कि 35 सालों में कश्मीर जितना सुरक्षित रहा उसकी तुलना में आज के दिन में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अमित शाह जो राज्यसभा में बोल रहे थे, आंकड़े उससे काफी अलग है या कहें कि उल्टी गवाही दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में मोदी सरकार के पहले 3 साल और मनमोहन सरकार के अंतिम 3 सालों में कश्मीर की क्या स्थिति रही वो दिखाया गया है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद बड़ी बात में बड़ी बहस करेंगे। अक्टूबर 2017 में गृह मंत्रालय से आरटीआई के जरिए एक जानकारी मांगी गई, जिसके जवाब में मंत्रालय ने जो 3 साल के आंकड़े बताए वो चौंकाने वाले थे। आरटीआई के जवाब में कहा गया कि मोदी सरकार के पहले 3 साल में जम्मू कश्मीर में 812 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि मनमोहन सरकार के अंतिम 3 साल में 705 आतंकी घटनाएं हुई थी। मोदी सरकार के पहले 3 साल में 62 नागरिकों की मौत हुई, जबकि मनमोहन सरकार के अंतिम 3 साल में ये संख्या 59 थी।
मोदी सरकार के पहले 3 साल में 183 जवान शहीद हुए, जबकि मनमोहन सरकार के अंतिम 3 साल में 105 जवान शहीद हुए थे। मनमोहन सरकार ने अपने अंतिम 3 साल में आतंक से लड़ने के लिए 850 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि मोदी सरकार के पहले 3 साल में ये राशि बढ़कर 1890 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि मोदी सरकार 2016 के मुकाबले 2017 में पत्थरबाजी की घटनाएं कम करने में जरूर कामयाब रही। जहां 2016 में पत्थरबाजी की 2808 घटनाएं हुई, वहीं नवंबर 2017 तक ये कम होकर 1198 हो गई। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी। तो ये आंकड़े हमने आपको दिखाए, 3-3 साल की तुलना की गई है। 3 साल पहले वो हैं जो मोदी सरकार के रखे, आखिरी 3 साल वो हैं जो मनमोहन सरकार के रखे। ये आंकड़े हैरान करते हैं। ये आंकड़े हैरान इसलिए भी करते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीर की जो सुरक्षित स्थिति जो होनी चाहिए, तुलनात्मक रूप से 35 सालों में सबसे ज्यादा सुरक्षित है कश्मीर। लेकिन आंकड़े कुछ और बोलते हैं। आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, सरकार ने खर्च काफी किया है, खासतौर पर मनमोहन सरकार की तुलना में इन 3 सालों में खर्च काफी बढ़ गया। आंकड़े भी हमने आपके सामने पेश किए, लेकिन वो खर्च लगा कहां? जो आउटपुट आनी चाहिए थी वो आउटपुट क्यों नहीं निकलकर सामने आई? और आज जो घटना निकलकर सामने आई, उससे काफी सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से पुलिस, जिस तरह से जवान पहुंचते हैं, कैदियों को लेकर वो जाते हैं, जिनमें 2 आतंकी, कुल 6 कैदियों में से 2 आतंकी रहते हैं, एक आतंकी को फरार कैसे करवाया जा सकता है, केवल 3 जवान उनके साथ रहते हैं, तो क्या ये किसी तरह की लापरवाही रही? क्या ये किसी तरह की साजिश रही? किस तरह से सूचना मिल जाती है कि कैदी अस्पताल में पहुंचेंगे, किस तरह से पहले से आतंकी वहां उपस्थित रहते हैं, ये जानकारी लीक कौन करता है? खबर ये भी है, क्या खुफिया जो जानकारी है उनके पीछे कोई विभीषण किसी तरह का है? जो सैनिक जो काम करते हैं, पुलिसकर्मी जो काम करते हैं, हमारी सेना जो काम करती है, उसको आतंकियों तक पहुंचाने का काम किसने किया? ये एक पहलू है। इसमें कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से एक खूंखार आतंकी को लेकर जवान पहुंचते हैं, उसको छुड़वा लिया जाता है, उसे फरार करा लिया जाता है, ये जानकारी आतंकियों तक किसने पहुंचाई? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख ने जो दावे किए, क्या वो बेबुनियाद हैं? क्या वो निराधार आंकड़े पेश कर दिए गए? क्या वो बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं? क्योंकि आंकड़े हमने आपके सामने रखे, सच हमने आपके सामने रखा, हकीकत हमने आपको दिखाई कि जो बातें कही गई थी, जनाब उतना सुरक्षित कश्मीर नहीं है, ये सरकार को मानने में परेशानी क्यों है, ये पार्टी के प्रमुख को मानने में परेशानी क्यों है, वो दावे किस तरह से कर सकते हैं, वो दम किस तरह से भर सकते हैं कि कश्मीर जो है पिछले 35 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा सुरक्षित अब है। आतंकी घटनाओं का हमने जिक्र किया, आंकड़ों के जरिए हमने सच्चाई आपके सामने पेश की कि आतंकी जो घटनाएं हैं उनमें किसी तरह की कमी नहीं आई है। हालांकि 2017-2016 की तुलना में ये बात जरूर रही, ये राहत जरूर रही कि पत्थरबाजी में किसी हद तक लगाम जरूर लगी, तुलनात्मक रूप से पत्थरबाजी कम हुई, लेकिन उसको लेकर भी बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में सत्ता में सहयोगी है, पीडीपी के साथ बीजेपी है, पत्थरबाजों को राहत दी जा रही है, साथ ही मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, ये प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है, आर्मी के जो जवान हैं उन पर FIR की जा रही है, तो सरकार का स्टैंड क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर? क्या बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख सिर्फ दावे करेंगे? क्या उन्हें कश्मीर की सच्चाई नजर नहीं आती? क्या अमित शाह किसी और तरह का चश्मा पहनते हैं जिनमें उनको कश्मीर जो है पूरी तरह से सुरक्षित नजर आता है? क्यों उनको शहादत नजर नहीं आती? क्यों उनको शहीद होते भारतीय सेना के जवान और साथ ही जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी नजर नहीं आते? क्यों जो शांति, जो अमन होना चाहिए, जो अपेक्षित था, जो बीजेपी की ओर से दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, वो चीजें अभी तक नहीं हुई है? उसके बाद भी जनाब दावे कर देते हैं, वो भी राज्यसभा में, तो क्या विश्वास किया जाए फिर सरकार के दावों में? क्योंकि आंकड़ों ने कतई साथ नहीं दिया, हकीकत भी किसी और तरह की है। खूंखार आतंकी को छुड़वा लिया जाता है, फरार वो हो जाता है, तो ये सूचना कहां से लीक हुई, इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये तुलना है, ये तुलना 3-3 साल की गई है, मनमोहन सरकार की आखिरी 3 साल जो पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, साथ ही जो पहले 3 साल है मोदी सरकार की, उनकी तुलना ने की है आखिरी 3 सालों के साथ। तो ये देखिए आप, बजट की राशि जो है वो ज्यादा कर दी गई है, वो ज्यादा इसलिए भी की गई है कि कश्मीर में शांति रखी जाएगी, लेकिन उसका किसी तरह का आउटपुट नजर नहीं आया। वो पैसे कहां लगे हैं, वो सरकार की क्या प्राथमिकता रही, ये भी अपने आप में सवाल है। साथ ही आतंकी जो घटनाएं हुई, नागरिकों की जो मौत हुई, उनमें भी आप बढ़ोतरी देख सकते हैं, तो आंकड़े अमित शाह का साथ नहीं दे रखे, ऐसे दावे करने की जरूरत क्या है, ये भी अपने आप में सवाल है। इन दावों पर विश्वास कितना किया जाए, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये ग्राफिक्स आप देखिए, ये आंकड़े आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए
कि कश्मीर में शांति बहाली की बातें हुई थी, कश्मीर में अमन चैन कायम करने की बातें हुई थी, वो बातें अपनी एक जगह पर और साथ ही पीडीपी और बीजेपी सत्ता में है जम्मू कश्मीर में, महबूबा सरकार क्या फैसले ले रही है, महबूबा विधानसभा में खड़ी होकर क्या कह रही है, उसको किसी तरह से खारिज बीजेपी नहीं करती है, उस पर किसी तरह के सवाल खड़े नहीं किए जाते हैं कि आर्मी पर आप एफआईआर कम से कम मत करवाइए, आर्मी पर एफआईआर करवाई जाती है, आर्मी पर जो पत्थरबाज हैं, जो पत्थर फेंकते हैं उनके मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, तो सरकार की मंशा क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर। तो रिपोर्ट आपने देखी, आंकड़े आपने देखे, दावे देखे और दावों का सच भी आपने देखा। अब बड़ी बात में बड़ी बहस करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। संजय आहूजा हैं हमारे साथ स्टूडियो में, बीजेपी प्रवक्ता वेणु अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चर्चा में। इनेलो से हमारे साथ जोगीराम जी हैं, स्टूडियो में आए हैं, साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ दो रहेंगे इस चर्चा में, कर्नल टीएस संदोख जी हैं, स्वागत है आपका, साथ ही ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कहलू हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है, और आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत बीजेपी से कर लेंगे। संजय आहूजा जी, हमने रिपोर्ट दिखा दी दर्शकों को, हमने आंकड़े भी दिखाए दर्शकों को, क्या लगता है आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख को कश्मीर सुरक्षित नजर आता है लेकिन ना शहादत थमती है, ना पुलिसकर्मियों का और साथ ही भारतीय जवानों का शहीद होना थमता है? मैं तो सबसे पहले जो शहीद वीर जवान है उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि जो शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है और वो कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सीधा सवाल ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख राज्यसभा में खड़े होकर ये कैसे कह सकते हैं कि 35 साल की तुलना में कश्मीर सबसे ज्यादा सुरक्षित आज की तारीख में है? अगर ये सुरक्षित है तो क्या ये आंकड़े झूठे हैं आप कहेंगे पैनल पर? अगर ये सुरक्षित है जो हकीकत निकल कर सामने आई है कश्मीर की, क्या वो झूठ है? जो शहादत के आंकड़े है वो झूठे हैं आप कहेंगे पैनल पर? बिल्कुल इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता कि पिछले 35 सालों में और अब में शहादत ज्यादा हुई है। उसका एक रीजन है कि पिछली बार आतंकवाद को जो है खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, अब इसको जड़ से खत्म करने के लिए ये प्रयास किया गया कि आतंकवाद इसके तिल मिला रहा है। और आप देखिए कि कितना मतलब नहीं, कश्मीर सुरक्षित है, क्या ये सीधे शब्द नहीं है समझने को? कश्मीर सुरक्षित है तो क्या आतंकी घटनाएं नहीं थमनी चाहिए? क्या सुरक्षा की बीजेपी की अपनी अलग परिभाषा है? देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई भी पार्टी हो, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है और ये हिंदुस्तान इस आतंकवाद से जूझता रहा है कितने सालों से। और आज वो समय आ गया है जब मोदी जी पूरे राष्ट्र में घूमकर एक सभी को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए। जनाब जवाब नहीं आया, सवाल ही ये था कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर सुरक्षित है, विदेश में घूमकर ये करना चाहते हैं? सुरक्षित है, मोदी जी कहीं भी घूम रहे हैं, उस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? इनेलो भी खिलाफ है और कांग्रेस भी खिलाफ है, आप लोग भी खिलाफ हैं, लेकिन उस बयान का मैं जिक्र कर रही हूं, उस संबोधन का मैं जिक्र कर रही हूं जो आपकी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि कश्मीर जो है सुरक्षित है। कश्मीर अगर सुरक्षित है तो क्या आप लोगों की परिभाषा अलग है सुरक्षित के? अब आपको इसको किस एंगल से लेना है वो तो आपका नजरिया है जी। आंकड़े, आंकड़ों के साथ चलते हैं जनाब, हम तथ्यों के साथ बात करते हैं। जोगीराम जी, पहला कमेंट आपका। देखिए मैडम, सबसे पहले तो ये है कि भाई ये बड़ा ही दुखद विषय है और किसी की भी हमारे जवान की जान चली जाना, उसका शहीद होना बड़े ही दुख की बात है। और सभी इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सभी इसमें साथ हैं कि भी ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन हम एक पुराना हमारा कहावत थी कि दुष्ट और भावना से हीन ग्रस्त जो इंसान हो या देश हो जी, वो तो ये चाहता है कि भी उसकी एक फूटनी चाहिए चाहे मेरी दोनों आँखें फूट जाएँ, लेकिन हमने तो अपनी एक भी बचानी है। बिल्कुल, हमारे राष्ट्र ने ये नहीं कि भाई जैसे बीजेपी कह रही है कि हम उनकी दोनों आंखें फोड़ देंगे, भाई हाँ। पहले अपनी एक बचानी जरूरी है, अब तो दुष्ट है उसका कुछ जाता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो इस स्थिति में है कि उसका कोई नुकसान, वो समझता ही नहीं अभी मेरा नुकसान हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि नियत नीति होनी चाहिए हमारी। अगर हम इसराइल का और अमरीका का यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, उनकी स्थितियाँ कुछ और हैं, भारत की स्थितियां कुछ एक बार के लिए रोकूंगे आपको। अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया कि हम पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण के तौर पर हमने देश को पेश किया है कि इजराइल के बाद अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है। कि जनाब कैसे ये नंबर आ गया, कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख को ये नंबर नजर आ गया कि इजराइल से भारत की तुलना आप कर लेंगे? वही मैडम मैं बताना चाह रहा था कि उनकी स्थिति कुछ हो रहा है, हमारी स्थिति कुछ हो रहा है। वहां पर यहूदी स्टेट्स हैं, हमारे तो रिश्ते हैं पाकिस्तान से, हमारी शादियां होती हैं यहाँ से, बच्चे आते हैं जाते हैं, पुराने हैं, पहले आए हैं, गए हैं, स्थिति हमारी कुछ हो रहा है। हमारा ये नहीं कि हमारा केवल लड़ाई से ही काम चलेगा,
हमें प्यार से समझौते जो भी पॉसिबल है, लेकिन हमारी नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए भी हम अपनी एक आंख फुटो आगे बैठ जाएं, अगले की जो 2 फुट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जी। पहले हमने अपने आप को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, अपने फौज को बचाना जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जिन पर हमारी जिम्मेवारी है। तो अगर उनको नहीं बचा पाएंगे हम, पाकिस्तान के बिगड़ने से हमें नुकसान नहीं है, हमारा अपना नुकसान होता तब हमें दुख ज्यादा होता है। नहीं देखिए, तो हमारी पार्टी का एक ही है, भी जरूरी है क्योंकि दुश्मन का खात्मा तो इतना पॉसिबल नहीं है आज के दिनों में, दुश्मन का खात्मा इतना पॉसिबल नहीं है क्यों, इंटरनेशनल दबाव पड़ जाते हैं, पहले भी कितने बार अटैक हुए हैं, अटैक होके भी हमें जमीन वापिस छोड़नी पड़ गई है। तो ऐसे इंटरनेशनल दबाव होते हैं, हमें अपना देखना पहले है वो क्या कर रहा, अपना संभाले आप मरे। नहीं, नीति कम से कम ऐसी बनाई जाए क्योंकि सुधरने वाला पाकिस्तान नहीं है। ये नीति नहीं है कि भी हम मरते ही रहे, सुधरने वाला पाकिस्तान नहीं किसी भी लिहाज से। वेणु अग्रवाल जी, ना कश्मीर को लेकर कांग्रेस कोई समाधान दे पाई, ना बीजेपी दे पा रही है, लेकिन राज्यसभा में खड़े होकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख ये कहते हैं कि कश्मीर पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगी और दिल से कहना चाहूंगी कि मैं उन्हें प्रणाम करती हूं, मैं उन्हें सलाम करती हूं कि जो हंसकर सूली पर चढ़ गए और जिन्होंने हंसकर अपने देश के लिए, अपनी देश की आन बान शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन देखिए, सैनिक एक ऐसी हस्ती है जिसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे सैनिक, हमारे रक्षक जो देश की सीमाओं पर खड़े हैं, आज उन्हीं की रक्षा का सवाल आ जाता है, तो हम कांग्रेस सरकार चुप नहीं बैठेंगे, हम इस भाजपा की विफलता को चुपचाप नहीं देखेंगे, हम इस बात को उठाएंगे कि क्यों नहीं जो वो वायदे करते हैं, जो बात करते हैं, और वायदे की क्या बात है, ये तो एक हमारा राजनीतिक धर्म भी है कि जो हमारे सैनिक उस सीमाओं पर खड़े हैं, अपने घर को छोड़कर खड़े हुए हैं वहां पर, आज उन्हीं की जान खतरे में है, आज हम उन्हीं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और हम दावे करते हैं बड़े बड़े, हम आंकड़े दिखाते हैं बड़े बड़े कि हमारा देश आज बहुत सुरक्षित देश है। किस एंगल से आपको हमारा देश सुरक्षित देश लग रहा है? देखिए, जंग हर मसले का इलाज नहीं है, लेकिन देखिए विरासत में सुरक्षा आप लोगों ने भी नहीं दी थी। देखिए आपने आंकड़े जो दिखाए हैं उसके हिसाब से भी पड़ोसी तो हमारा खराब है ही है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी से लड़ना, अगर पड़ोसी खराब है तो हमें हमारी जो हम क्या ग्राउंड लेवल पर हम क्या काम कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। एक दो लाइनें मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता लुटा क्यों काफिला। हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। राहजन मतलब क्रिमिनल्स, मतलब आतंकवादी, वो तो गलत काम करेंगे। संदीप साहब, ये काफिला कैसे लूट जाता है? हम आपके पास आएंगे, लेकिन आपकी शब्द बचा कर रखिए, धैर्य रखिए। संदीप साहब, ये काफिला कैसे लूट जाता है कि कैदियों को लेकर जवान पहुंचते हैं, पहले से आतंकी अस्पताल में होते हैं, ये सूचना कहां से लीक हो जाती है? ये बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो आज कैदी को छुड़ा के ले गए, ये बिना अंदरूनी मदद के जेल में, पुलिस लेवल पे, सिविल लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, अगर बिल्कुल आपस में उनका मिलाप नहीं था, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, तब तक ये कैदी ऐसे भाग ही नहीं सकता। तो हर एक लेवल पे इसका मतलब तो यही है कि हमारी इंटेलिजेंस टोटली फेलियर है और हम उसमें बिग लीक है जो कि आतंकवादियों के पास ये हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। जी कहलो साहब, ये इन्फॉर्मेशन कैसे चली जाती है? ये बिग लीक है और ये बड़ी कहीं लापरवाही है या फिर सोची समझी साजिश है किसी तरह की? पहली बात है, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय देश के अंदर खास तौर पर कश्मीर समस्या को लेकर दो पहलू हैं। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो कुछ हो रहा है, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी। आपने जो सवाल किया है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ है। देखिए कि इन्होंने कुछ साल पहले वाइट पेपर एक जारी किया था J&K सरकार ने, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई कि हमारे अंदर ही कश्मीर वादी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर किस्म की इंफॉर्मेशन, हर किस्म की सपोर्ट, गोला बारूद उधर डंप किया हुआ है पहले ही जी। और उनको पूरा नेटवर्क है। ये कोई एक चटकी से बहुत जल्दी नहीं हो गया जो एक्शन हुए, बहुत उनके पता था और मिनट मिनट की खबर पहुंच रही थी कि आतंकवादी इधर अस्पताल में आ रहे हैं। कालू साहब, और लोग हैं फिर ये जो ईमान जो है अपना बेच देते हैं, देश को बेच देते हैं पूरी तरह से। जी कौन लोग हैं ये जो ईमान बेच देते हैं, जो देश के साथ सौदा कर लेते हैं? मैं तो बोलता हूँ कि ये कश्मीर समस्या तो शुरू हो गई जैसे ही देश का बंटवारा हुआ, और मैं महसूस करता हूँ
कि इसके अंदर सियासी लोग बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। अगर अभी की बात करें जो के मकबू जो अपने कश्मीर में हो रहा है जी, देखिए अभी आपने आंकड़े बताए कि उसके अंदर कितना फंड अभी दिया गया, 1,000 करोड़ तकरीबन ज्यादा दिया गया अभी पिछली सरकारों से, मगर वो कहाँ गया जी? मैं 11 साल जम्मू कश्मीर के अंदर मैं जंग भी लड़ी है, कतर की जंग लड़ी है, मैंने उधर 2 गांव बचाए अंदर गांव पट्टन के पास जी। और पुंछ शहर जबकि कमांडिंग ऑफिसर था मैं बात करना चाहता हूँ कि नीचे लेवल तक नहीं पहुँचता। हाँ। गरीबी गुर्बता है, ठीक है, अनपढ़ता है, वो पैसा नहीं पहुँचता। पहली बार डेवलपमेंट के ऊपर जो चाहिए वो नहीं हो रहा। देखिए नौजवान, प्लीज लेट मी स्पीक। तो दूसरी बात जो नेटवर्क है उसके लिए हमें मालूम है, हमारी फोर्सेस जो पैरामिलिट्री है या इसको पुलिस जो है, पहली जी, बात है जी, इनको पता है कहां ठीक है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, आइए एक बार फिर आपके पास संजय आहूजा जी, क्या कश्मीर को लेकर राजनीति नहीं कर रहे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हम। और इसमें जो भी अभी जो भी लैप्स हुआ इसकी जिम्मेवारी पूरी भारतीय जनता पार्टी लेती है, और इसको आतंकवाद को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी दृढ़ संकल्प है। और ये पूरे विश्व संकल्प तो तब होंगे ना जब मानेंगे आपकी स्थिति खराब है। आप लोग तो कहते हैं कि कश्मीर में शांति है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख ये कहते हैं कि कश्मीर पूरी तरह से सुरक्षित है, आप नागरिकों को सुरक्षा दीजिए ना, आप जवानों की सुरक्षा की किसी तरह की गारंटी लीजिए ना, आप शांति अमन बहाल कीजिए ना, उसके बाद राज्यसभा में दावे कीजिए किसी अभी, तरह अभी अभी सिंह साहब ने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हाँ। दो मामले अलग अलग है, लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ और कश्मीर के अंदर का। तो कश्मीर के अंदर कितने हादसे हुए पिछले सालों से और अब के मुकाबले में, तो उसको उसका कंपैरिजन किया गया कि शांति से ज्यादा हुए हैं आपके शुरुआती 3 सालों में। हमने आंकड़े भी पेश कर दिए, मैं फिर वही बता रहा हूं, आंकड़े दिखाए आपको। देखिए और दोनों ही समस्या, इंटरनल की बात कर लीजिए, एक्सटर्नल की बात कर लीजिए, जवाबदेही सीधे तौर पर आप लोगों की है, जिम्मेदारी आप लोगों की है एक हद तक, सरकार जिम्मेदार है। गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, अगर असंतोष रहता है कश्मीर में जिम्मेवारी से नहीं, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, हम इस जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे, हम जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे, हम इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाएंगे और आतंकवाद को पूरा जड़ से मिटाएंगे। ये इस जिम्मेवारी से हम नहीं भाग रहे, भागने से काम नहीं चलेगा। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे आदरणीय मोदी जी कहा करते थे कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए, वे कहते थे कि वे उनको लव लेटर लिखना बंद करे, हमारे लिए तो वो लव लेटर कहते थे, खुद तो नवाज शरीफ जी के पास लव दिखाने के लिए गए थे, वो वहां के राजनीति ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ये वीर जवानों की शहादत का मामला है, नहीं राजनीति छोड़िए ना जनाब, आप राजनीतिक पार्टी है, सुनिए एक बार के लिए, राजनीति हो या ना हो आलोचना जरूर होगी, आप लोगों को आलोचना अगर राजनीति लगती है आप लोगों की समस्या है, वो आलोचना होगी केंद्र सरकार की, आप कश्मीर की बातें करते थे सरकार में आने से पहले, आप केंद्र सरकार की आलोचनाएं करते थे विपक्ष में रहकर, आपके पास फॉर्मूला भी होता था, समाधान भी होता था, जब सत्ता में आप आ गए हैं तो कश्मीर को लेकर हाथ खाली है पूरी तरह से, बिल्कुल नहीं खाली, बिल्कुल खाली है, देखिए बिल्कुल नहीं खाली, ये मैं फिर बता रहा हूँ, एक अपना ट्रिप पाकिस्तान बिना बताए लेकर लगा कर आए हैं, उसके एकदम बाद हमारे यहाँ पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ है, क्यों हुआ है वो हमला, जो मेरे अंबाला के गरनाला से गुरसेवक जी जो शहीद हुए हैं, अभी भी मेरी उनके फादर से बात हुई है कि अभी जो फंड्स की बात सिंह साहब जी कह रहे थे कि इतने फंड्स आ रहे हैं, तो हमारे सांसद माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी वहां अनाउंस करके आए थे कि वो 11 लाख रुपए अपने फंड में से देंगे, लेकिन आज तक 2 साल से ऊपर इस बात को हो गए हैं, वो फंड उन तक रिलीज नहीं हुआ है। तो बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, विकास की बातें करते हैं, और विकास का भी मैं आपका मतलब आपको समझा देती हूं कि मोदी जी जो विकास, वी का और स, वी का मतलब है विफलता, का से मतलब है केवल नाकाबिलियत उनकी, और स से मतलब है सब झूठ टोटल झूठ से वो राजनीति करते हैं। शहादत जवान हासिल करते हैं, शहीद हो जाते हैं देश के लिए, लेकिन बदले में क्या मिलता है, झूठे दावे झूठे वादे। जोगीराम जी देखो, जो एक कांग्रेस या हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ऐसी बहस होनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता, आज के दिन तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, जो हमारे सीनियर ब्रिगेडियर कर्नल साहब यहाँ बैठे हैं, हमें केवल इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए के भी क्या ये बिल्कुल ठीक कैसे हो रहा है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख राज्यसभा में खड़े होकर कैसे कह सकते हैं, उनसे हम सवाल पूछ सकते हैं, झूठे दावे झूठे वादे नहीं है, उनसे हम सवाल पूछ सकते हैं, आप इसका हल निकालिए, बिल्कुल ये नहीं कि अपने आदमी मरवा के तब हल निकालेंगे आप, हल और भी हो सकते हैं, ये सोचे कि भाई हम जैसे इसराइल की बात कर रहे हैं, ये इसराइल सर्जिकल स्ट्राइक करता है उसका अलग मुद्दा है, हमारा सर्जिकल स्ट्राइक का अलग मुद्दा है, क्योंकि हमारे दोनों तरफ हिस्सेदार रहते हैं,
इस कश्मीर में और ऑक्यूपाइड कश्मीर में दोनों रिश्तेदार हैं, शादियाँ होती हैं, ब्याह होती हैं, सब होते हैं, पंजाब में, पाकिस्तान में सब है, हम आते हैं जाते हैं, और यहाँ पर इंटेलिजेंस इतनी पॉसिबल नहीं है जी। क्योंकि हमारे अपने ही रिश्तेदार वहाँ बैठे हैं, यहीं पर, यहाँ पर ही बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं। हाँ। तो हमें अपना वजूद देखकर, अपना वो देखकर, अपना सोचना चाहिए भी हमें कैसा इसका हल निकल सकता है, ना के हम इसका एक नाम चारा सर्जिकल स्ट्राइक प्रोपेगेंडा इन्होंने बना दिया। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक ये नहीं कि हम उनके 10 मार देंगे, 100 हमारे मार देंगे, ज्यादा गुजर चुके हैं, सरकार सोच रही है, सरकार दावे कर रही है, लेकिन कश्मीर की जो स्थिति है वो डाके तीन पार, तो सरकार आर पार करे, फिर अपना पूरा करे, अगर इतनी हिम्मत है सरकार में। सरकारी दावे भी कर रही हैं और सरकार कोशिशों की बातें भी हर बार करती हैं, लेकिन कश्मीर 7 दशक से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी स्थिति वही ढाक के तीन पात, उसमें किसी तरह का कोई बड़ा सुधार नहीं दिखा कम से कम। देखिए अभी मैं एक बात करना चाहता हूं, बात है कि हमारे जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राज्यसभा की बात अगर करें हम तो बीजेपी के MP कि हम, मैं किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखता, बीजेपी के MP सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया और उसने जवाब मांगा है कि महबूबा मुफ्ती ने जो विधानसभा में कहा, उधर अपनी असेंबली में ये बात की कि मेरे को FIR दर्ज करनी है, किसके खिलाफ, फौज के खिलाफ। हाँ। किसके खिलाफ, जो मेजर बहुत आगे था, उधर था ही नहीं, और उसने बोला क्या परवानगी दी कि नहीं दी रक्षा मंत्री ने, उधर जवाब नहीं दिया। तो बिल्कुल ये बातें बताती हैं कि हमारे नेता लोग, इनके इरादे अगर क्या ये मौन समर्थन है सीधे तौर पर बीजेपी का, क्या ये मौन समर्थन है केंद्रीय रक्षा मंत्री का कि वो चुप्पी साध लेती है, उन्हीं की पार्टी के सांसद को ट्वीट करना पड़ता है, उन्हीं की पार्टी के सांसद को सवाल करना पड़ता है। तो एक और शहादत थमने का नाम नहीं लेती और दूसरी ओर सियासत को कतई शर्म नहीं आती। महबूबा सरकार जिस तरह के फैसले लेती हैं उन पर खुद सवाल उठते हैं, और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुखिया रहे फारूक अब्दुल्ला जो कि अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, वो कश्मीर पर और ही तरह की भाषा बोलते हैं। एक बार के लिए उनका बयान सुने। क्या कहूंगा मैं, कैसे रे, वहां से गोले चल रहे हैं, यहां से गोले नहीं चल रहे, दोनों तरफ से गोले चल रहे हैं और दोनों तरफ से जम्मू कश्मीर के लोग बर्बाद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोई अमन नहीं है, पंचायत इलेक्शन भी पोस्टपोन हो गए, कहाँ है वो अमन जिसकी तरफ हम लोग चल रहे थे कि अमन आएगा, अमन के बजाय आज बादल हैं लड़ाई के, युद्ध के, जिससे बर्बादी होगी दोनों मुल्कों में और बेचारे गरीब मरेंगे, सारा खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये पहली बार इनकी ओर से नहीं कहा गया। ये कश्मीर भारत का है या फिर नहीं, इसको लेकर भी कई बार बयान दे चुके हैं, और जब ये बयान देते हैं तो सवाल कांग्रेस पर भी उठते हैं, साथ ही इनकी पार्टी पर भी उठते हैं कि जनाब आपकी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है राजनीति करते करते जम्मू कश्मीर में, आप लोगों ने शांति के लिए क्या किया, आप लोगों ने अमन के लिए क्या किया, और जम्मू कश्मीर के लिए राजनीति को छोड़कर आप लोगों ने क्या किया। सवालों के जवाब लेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वेणु अग्रवाल जी, आप बताइए कि कांग्रेस ने कश्मीर के लिए क्या किया, और फारूक अब्दुल्ला जी को आपने सुना, उन लोगों ने क्या किया कश्मीर को लेकर राजनीति के अलावा। इसको मैं आपको कुछ अच्छे अपनी पंक्तियों में बताना चाहूंगी कि आज भाजपा बात करती है काम का राम राज की और हम बात करते हैं काम काज की, यही हम करते हैं। भाजपा जो देखिए उनसे भाजपा देखिए उनसे पूछिए ना, हम अपनी ही बात बता रहे हैं। कामकाज छोड़िए, कामकाज आप लोगों ने किया, वो बात कामकाज की कुछ हूं, और मुसलमान के पर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, वो बात करते हैं शमशान और कब्रिस्तान की। अग्रवाल जी बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने करीब 4 साल में जो किया क्या वो चर्चा का विषय है, बीजेपी से पूछ लेंगे बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस ने क्या किया, यही हम फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, बयानों के अलावा सियासत के अलावा सीधा जवाब दीजिए। सियासत की बात नहीं करते हम, अपने संविधान की बात करते हैं हम, अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं हम, अपनी देशभक्ति की बात करते हैं हम, मोदी भक्ति की बात नहीं करते हम, किसी एक पर्सनल व्यक्ति की भक्ति की बात नहीं करते हम, अपनी देशभक्ति की बात करते हैं। और ये लोग समाधान मिला कश्मीर को, आपकी बातों से समाधान मिला कश्मीर को, करते हैं देशभक्ति की, लेकिन क्या दिखा रहे हैं, ये तो हमारे सैनिकों को ही देशद्रोही दिखाना चाह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मुकदमे चला रहे हैं, और जिनको कल तक ये पत्थरबाज कहते थे आज उन्हीं के ऊपर से इन्होंने सारे मुकदमे वापस ले लिए, तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं।
क्यों? क्योंकि इनको अपना वहां पर जो अलायंस है उसको मजबूत करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोबारा से बात करें, इन्हीं की सरकार की बात करें, जो कंधार में आतंकवादी छोड़े गए थे, तो वो क्यों छोड़े गए थे? आप कांग्रेस से बहुत आसानी से बीजेपी पर आ जाती हैं, कांग्रेस पर रही ना कुछ देर के लिए, तो जवाब दीजिए आप लोगों ने क्या बिल्कुल, किया? बिल्कुल जवाब दे रही हूँ मैं, उसी बात का जवाब दी मैंने, पॉजिटिव जवाब दिया है कि हम बात अपने हिंदुस्तान के, अपने संविधान की, अपनी सरकार की, अपनी अभिन्न अंग नहीं मानते आप लोग, बीजेपी क्या कर रही है उस पर आपके पास लंबी फहरिस्त है। आहूजा जी, पत्थरबाजों को कैसे छोड़ा जा सकता है, आर्मी पर कैसे केस फाइल किए जा सकते हैं, कैसे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, बताइए। देखिए ये एक जांच का विषय है, ये एक टेक्निकल बात है जो मैं समझता हूँ कि मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा कि क्यों छोड़े जा रहे हैं पत्थरबाज और आर्मी पे क्यों केस किया जा रहा है। बहुत गजब करते हैं आप, देखिए देखिए ज्योति जी, आपकी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, सुनिए एक बार के लिए, आपके लिए आसान होगा सुनेंगे तो, महबूबा मुफ्ती विधानसभा में कहती है कि पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिए जाएंगे, आर्मी पर जो केस हो रहे हैं उनके कहने, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, आपत्ति जाहिर कीजिए ना, केंद्र की मोदी सरकार आपत्ति जाहिर करे, रक्षा मंत्री बोले, देखिए मैं उस बात पे, देखिए ये बात सुनकर मैं पहले से ही आपको बता दूं कि मैं फिर कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, जो वीर जवान शहीद हुए उनकी शहादत को हम सलाम करें, उनको अपमान ना करें, मेरा बात सुनिए, बात तो सुनिए पूरी, ज्योति जी पूरी बात, मुफ्ती अगर पत्थरबाजों को छोड़ती है मुकदमे वापस लिए जाते हैं, ज्योति जी मैं पूरी बात तो सुन लीजिए, आर्मी पर अगर केस किए जाते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार बोले ना, अगर नहीं बोलती तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए बोलने और ना बोलने से काम करने से होता है, मैं वही कह रहा हूँ, जवाब तो जोगीराम जी आएंगे आपके पास, कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई, आपके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को ट्वीट करना पड़ता है कि रक्षा मंत्री ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, क्या ये मौन समर्थन है जोगीराम जी? देखिए J&K के बारे में कांग्रेस की वही पॉलिसी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये समझौता करते रहे, सरकारें बनाते रहे, अभी भी ट्राई में थे, उसके बहाने बीजेपी ने नंबर मार लिया तो बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन कोई भी कंट्री के बारे नहीं सोच रहा है कि भाई हम उनसे समझौता कर रहे हैं तो किन शर्तों पर कर रहे हैं, अगर वो शर्तें हमारी नहीं मानी जाती तो क्यों ना हम उस सरकार को गिरा दें, दोबारा इलेक्शन हो, MP के इलेक्शन ये नहीं करा पाए, पंचायत के इलेक्शन बीजेपी नहीं करा पाई J&K में, तो और क्या कराएंगे, शांति किस बात की है इनके यहाँ? और जब ये सोचते हैं किसी भी स्टेट में इलेक्शन होंगे तो ये J&K का नाम लेते हैं कि हमने वहाँ ये कर दिया वो कर दिया, तो J&K का नाम क्यों लेते हैं, उस स्टेट की प्रोग्रेस आप बताइए, हरियाणा में हरियाणा की प्रोग्रेस बताइए, गुजरात में गुजरात की बताइए, वहां पर बताइए, और देखिए जब अब्दुल्ला परिवार पावर में होते हैं किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं तब इनकी नीति कुछ और होती है, अभी दोगली नीति है, अभी इधर बात करते हैं और दोनों बात करते हैं कि अपने कश्मीर में हो रहा है उधर, ठीक बात, वो ये सिर्फ वोट बैंक की नीति है, जो कि अपने असेंबली में ये बोल देना कि पत्थरबाजों के खिलाफ केस जो है वो वापस ले जाए, किसके, वो पत्थरबाज जिन्होंने हमारे जवानों को हमारे JCO को नकारा कर दिया, और जितनी ज़्यादा पत्थरबाजी हुई है अभी पिछले कुछ महीनों में, अभी कम हुई है, पिछले साल ज़्यादा थी, तो वो उसको माफ़ कर देना, और फौज के खिलाफ ये कार्रवाई करना, ये दुरुस्त नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ अफ्सवा, एक मिनट ज्योति जी लेट मी एक्सप्लेन, अफ्सवा जो एक्ट है उसके अंदर बड़ा स्पष्ट तौर पर दिया गया है Section 3 के अंदर कि जे अगर कोई फौज के खिलाफ FIR दर्ज करनी है तो केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी, कि केंद्र सरकार की मंजूरी ली महबूबा जी ने, नहीं नहीं, अगर अगर मेजर गोगई ने बचाया उधर उधर जब पोलिंग बूथ के अंदर, जैसे कि अभी आज हुआ है कल हुआ है जो हो रहा है कि पुलिस कर्मचारियों को मार दिया सभी को मार दिया, उसने स्टेप लिया, मेरा सवाल वही है, ये जवान जो 370 हटाने आए थे ये लोग, अब आर्मी पर धारा 302 लग रही है, धारा 307 लग रही है कि आप आत्मरक्षा करेंगे तो भी मारे जाएंगे, आप पर जो पत्थर फेंकेंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, हैरान करता है संदोख साहब, ये फौज के हमारे जो जवान जो ग्राउंड पे हैं जो लड़ रहे हैं उनके मोरल के लिए बहुत ही नीचा करने वाला है कि जब हमारे हम आपके लिए लड़ रहे हैं और हमारे ही खिलाफ FIR हो जाती है, जो FIR उस दिन हुई कॉन्वाई में वो सिविल पॉपुलेशन ने उनको घेर लिया, और पहले
शांतिपूर्वक समझाने के बावजूद उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और हथियार छीनने की कोशिश की और जवाब में फौज ने फिर गोली चलाई जिसमें एक दो सिविलियन की डेथ हो गई। और FIR उसके बाद अभी चीफ मिनिस्टर मुफ्ती अपना महबूबा कहती है FIR कर दिया, ये बिल्कुल हमारी फौज के मोराल को डाउन करने के लिए। सीधे तौर पर मनोबल तो तोड़ेगा ही और आप अपनी रक्षा भी मत कीजिए, जम्मू कश्मीर में जाकर आप पत्थर खाइए, आप पर हमले किए जाएंगे, पत्थरबाजों को छोड़ दिया जाएगा, हमलावरों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आर्मी पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। आहूजा साहब बजट पे आते हैं, 1962 के बाद पहला मौका है कि GDP का सबसे कम हिस्सा रक्षा बजट के लिए दिया गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की तुलना में रक्षा बजट हमारे पास बहुत कम है, वो 3.5% खर्च कर रहे हैं GDP का, हम महज 1.58, फिर हम टक्कर लेंगे दावों से, बताइए। नहीं टक्कर लेंगे तो ऐसी बात नहीं है, हम सक्षम है पाकिस्तान से लड़ने में, लेकिन जैसा जैसी बात आए कि नुकसान लड़ाई से किसका होगा, आम जन का नुकसान होगा इसमें। क्या ये नुकसान नहीं है जो शहादत हो रही है, उस पर कुछ कंक्रीट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको फिर बताया कि पूरे विश्व में मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ कैसी मुहिम चला रखी है, पूरा विश्व देख रहा है इस चीज को। रिजल्ट क्या निकला? आतंकवाद को खत्म, देखिए रिजल्ट, आप फिर वही बात, कुछ तो बोलिए बजट पर, कुछ तो बोलिए, दर्शक टीवी के सामने बैठे हैं, उनको सवाल भी समझ आता है, वो जवाब की भी उम्मीद करते हैं, आप बजट पर कुछ तो बोलिए। 1962 के बाद सबसे कम GDP का हिस्सा इस बार के बजट में, रक्षा बजट में, बताइए एक बार के लिए जवाब दीजिए। मेरे पास प्राथमिकता क्या है? मेरे पास आंकड़ा है जनाब, मैंने आपको बताया, महज 7% बढ़ाया गया है, दर्शकों के पास भी आंकड़ा है, आपके पास नहीं है, जवाब तो दीजिए ना कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद को खत्म करना। वो किस तरह होगी सर, किस तरह होगी, कि कैसे वो आपका आतंकवाद खत्म हो रहा है? बजट बढ़ाने से आतंकवाद खत्म होता है क्या? बजट तो कि रक्षा आप शस्त्रों पर खर्च करने की आपकी आपकी किसी तरह की प्राथमिकता है, आर्मी को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए जरूरी बातें। मैं फिर वही कह रहा हूँ, रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, क्या आप बेटर बता पाएंगे? आप बेटर बताना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 62 के बाद जो भी बजट GDP का 1.67 है, सबसे कम है, और जबकि चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, चैलेंजेस ज्यादा हैं। चीन की बात कीजिए, पाकिस्तान की बात कीजिए। लेट मी एक्सप्लेन ज्योति जी, देखिए अभी हमने माउंटेन कोर रेज करने का फैसला किया बड़े अर्थों से, अगर उसको इक्विप नहीं करेंगे, हमारे बेसिक राइफल जो है, जो कि बेसिक वेपन है, उसका नहीं फैसला कर सके, असॉल्ट राइफल कौन सी चाहिए, किस किस्म की चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरफियर कुछ ना होता रहता है। अभी हमारे जो बंकर हैं जहाँ के फायरिंग हो रही है, जहाँ के लाइन ऑफ कंट्रोल के उसको 45 पक्का करने के लिए जरूरत है, ताकि गोले गोले उधर गोले कर पाए, उधर साथ में गांव जो है उधर गिर रहे हैं उनके, और उसके अलावा जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट है, उनकी कमी है, ऐसे बहुत सारी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस, वो उसने बयान कर रखा है, अपने दे रखी है, फिगर दे रखे हैं कि ये कमियां हैं, जो कमी पेशी अगर मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे, अगर बजट नहीं होगा तो कैसे होगा? बिल्कुल संदोक साहब, फेल के डील हो जाए। आहूजा साहब इन बातों का जवाब रखिएगा, आएंगे आपके पास, इन बातों का जवाब रखिएगा। संदोक साहब आप भी बताइए, अभी बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना कि बजट से क्या होगा, क्या सुनिए एक बार के लिए, सीमा पर जो लोग चले गए, क्या मानकर चले कि वो जान देने ही गए हैं, क्या उनकी सुरक्षा की कोई सरकार गारंटी लेगी? उसके बाद ये गैर जिम्मेदाराना बातें कि बजट से क्या होगा, बिल्कुल गलत बात है। जो कि अभी पीछे चार एक अपने कुंडू साहब, कैप्टन कुंडू और उनकी जो शहीद हुए हैं, उनका जो बंकर में थे वो लोग, और एक जो उनका मोटर और आर्टी शेल, मोटर या छोटा सा शेल जो है वो बंकर में, मेरा बंकर के अंदर चला गया और बंकर ही तबाह हो। मुद्दा ये है कि वो बंकर अभी इतने साल पहले का बना हुआ है और उनको अभी तक कंक्रीटाइज नहीं किया गया, उनकी मेंटेनेंस के लिए हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। अभी कश्मीर में हमारा मुद्दा रहा है आतंकवाद, आतंकवाद जितना भी बजट में पैसा आया है वो हमारा चला गया है आतंकवाद से लड़ने में। और हमने, मैं आपको बता सकता हूं कि हमने अपने जो लाइन ऑफ कंट्रोल में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत खस्ता है जिसके कारण ऐसी खबरें आ रही है। और अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि बजट की क्या जरूरत है, मैंने मेरा कहने का मतलब आपने ये ले लिया कि मैंने ये नहीं कहा कि बजट की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं बजट रखे तो ये रुकेगी,
मैं कर्नल साहब, देखिए कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब ने बात की, बंकर की बात की, क्या बजट के बिना हो जाएगा, क्या बजट के बिना से हो जाएगा, क्या होगा बताइए। मैं एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब ने तो जंग भी लड़ी है, ये रिपोर्ट कौन देता है वहां से? सरकारें नहीं करती इस चीज को, पॉलिटिशियन नहीं करता इस चीज को, इंडिपेंडेंट आर्मी काम करती है। हाँ। और वो वहां से रिपोर्ट आती है, हमें क्या चीज चाहिए? ये तो ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं आई है सरकार को जानकारी ही नहीं है हमारे सरकार को। देखिए मैंने पहले बताया आपको सरकार की बात कर, मैंने जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने बोला राइफल के बारे में, मैं वही कह रहा हूँ, राइफल की जो जानकारी है जानकारी कौन देगा इस चीज की? जानकारी जवाब देता हूँ जनरल, एक मिनट, जनरल वी के सिंह ने जवाब दिया, चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को ही, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ये कमियां पेशी है, वही अभी मंत्री है वो, उन्होंने जो के जिनकी एक्सप्लेनेशन मांगी थी, इन्होंने समन किया उधर असेंबली में करना चाहते हैं, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? जो जो कमी जो हमारी जरूरतें थी, तो रिपोर्ट तो जारी है, मैं फिर वही बता रहा हूँ, क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, ये इसकी रिपोर्ट तो मेरे पास आज नहीं है, रक्षा मंत्रालय की जानकारी है कि सेना की क्या जरूरतें हैं। बिल्कुल जरूरतें की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी सरकार को जानकारी होगी, आपको जानकारी एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहूंगी, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा की ही एक बात आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे सैनिकों में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि एक शहीद की पत्नी अगर इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाती है, उससे आधार कार्ड मांगा जाता है, वो आधार कार्ड नहीं उपलब्ध करा पाती है मौके पर, तो उसका इलाज नहीं किया जाता, उसकी मौत हो जाती है। ये आंकड़े मैं आपको, बिल्कुल गलत बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, इलाज ना हो ये गलत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, सही है। कितने बार चर्चा इस विषय पर की, आपके स्वास्थ्य मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए, जांच के आदेश दे दिए, ये भी एक मंशा है, ये भी प्राथमिकताओं को जाहिर करता है कि जो शहादत दे देते हैं उनकी वीरांगनाओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। जो अभी हमारे अधिकारी साहब ने कहा कि कितना मोरल डाउन किया गया है हमारे सैनिकों का और हमारे सैनिकों की पत्नियों का, इसके बारे में कटर सरकार बोला हम इंक्वायरी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी मौत हुई क्योंकि आधार कार्ड मांगा गया था, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ये बेइंसाफी है, वीर नारियों के साथ जो कुछ हो रहा है, हरियाणा हो या पंजाब हो, पूरे देश भर में हो, ये बहुत ही बिल्कुल, शहादत को ना सम्मान मिलता है ना जो जवान है उनकी किसी तरह की सुरक्षा है, मिलना चाहिए, वो किसी के बेटे हैं, वो किसी के भाई हैं, वो किसी के पति हैं, सियासतदान सिर्फ सियासत करते हैं। कितने बार अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं और उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं तब भी उनको कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल, और जबकि अभी हमारे जो ये शहीद हुए हैं कुंडू जी, उनके यहाँ तो कोई ऐसा बड़ा अधिकारी भी नहीं गया, उसमें गया हो तो कम से कम इतने दिन को चाहिए था सरकार को, हाँ। भाई वहाँ पर जाए और उनको सांत्वना दे, ये तो तब पहुँचते हैं जब सारा कुछ हो लेता है और बाद में अनाउंसमेंट्स करके आ जाता है, अनाउंसमेंट वाला मिलता ही नहीं होती है, पहले आप जवानों के लिए क्या कर पाती है, जवान जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए क्या करते हैं, उनका परिवार ही हमारा परिवार है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, एक मिनट हमारे पास बचा है, आखिरी संदोक साहब क्या लगता है समाधान क्या हो सकता है, क्या बातचीत जरिया हो सकता है पाक को समझाने के लिए, क्या युद्ध ही आखिरी हथियार होगा, आखिरी जवाब आपका? कश्मीर मुद्दे में सिर्फ फौज को लेके आतंकवाद को दबाने के साथ साथ राजनीति और उनके जो नेता हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए और उस अंतिम हल बातचीत से ही निकलेगा, कश्मीर के जो लोग हैं उनसे बातचीत का, अभी केंद्र ने पाकिस्तान सुधर सकता है किसी तरह की बातचीत से, मैं बताना चाहता हूँ 10 सेकंड का कमेंट आपका, कि जो जो हम पुरानी गलतियां उसको दोहराएं मत, जंग तो किसी भी समस्या का हल नहीं है, और जैसे के हमारे 93,000 कैदी जंगी कैदी वापस कर दिए पाकिस्तान को, उस समय मौका था कि जबकि हम स्ट्राइक कर सकते डील और अपना मकबूजा कश्मीर वापस कर सकते, अभी जो है इन्होंने पाकिस्तान में अपनी जो ये आतंकवादी संगठन है वो उधर आईएस
और आईएसआई बहुत काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना जारी रखना है। गुजी जंग जो है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में बने रखने के लिए। तो चर्चा आज ये की कि अमित शाह के जो दावे हैं वो कितने सच्चे हैं, उनमें कितना दम है, और दावों के जो अलग जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो आंकड़े हैं, वो क्या कहते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।